हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कांताज रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साउथ इंडिया की फेमस रेसिपी लेमन राइस। बहुत ही इजी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। लेमन राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप चावल और यहाँ पर मैंने रखा है 4 कप गर्म पानी। इसके अंदर मैं डाली कुछ सूखे मसाले जैसे दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ये डाल रही हूँ मैं। नमक थोड़ा एक्स्ट्रा डालें क्योंकि हम पानी जो एक्स्ट्रा होगा निकाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से उबलने देंगे इस पानी को। पानी में एक उबाल आ गया है, अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। चावल को हमें पूरा कुक नहीं करना है, 80% तक इसको कुक करना है। ये चावल पक गया है ऑलमोस्ट, इस तरह आप हाथ से प्रेस करके देख सकते हैं, थोड़ा सा कच्चापन महसूस होना चाहिए। अब हम ये एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसको ढक कर रख देंगे ताकि चावल पूरी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है गर्म होने के लिए, उसमें मैंने डाला है 1 चम्मच ऑयल। अब इसके अंदर मैं कुछ मसाले डाल रही हूँ, एक तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च, राई 1 चम्मच, 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं उड़द दाल, 1 चम्मच चना दाल। इनको अच्छे से 10-12 सेकंड के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप मूंगफली, या आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब 1 कप डालूंगी मैं यहाँ पे काजू। काजू और मूंगफली जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसे भी हम 10-12 सेकंड के लिए हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनेंगे। ये हो गया है, अब इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर लाल मिर्ची ऐड नहीं होती क्योंकि इसके जो येलो कलर होता है वो चाहिए होता है हमें। इसे अच्छे से भूनेंगे 10-20 सेकंड के लिए। अब मैंने डाला है 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सा हमने नमक डाला है। नमक आप थोड़ा ध्यान से डालें, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें क्योंकि हमने चावल में भी नमक डाला और इसमें हमने कुछ ज़्यादा सब्जियाँ भी यूज़ नहीं की है। इसे अच्छे से भून लेंगे 2 मिनट के लिए। अब हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर हम 5 मिनट तक और पकाएंगे ताकि सारे मसाले मिक्स हो जाए और ये पक जाए। इसको कवर कर देंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 नींबू 1.5, इसका हम जूस निकालेंगे और चावल के अंदर डालेंगे। जब हम जूस डालेंगे तो अब हम गैस को बंद कर देंगे, गैस बिल्कुल चालू नहीं रखेंगे, नहीं तो जो चावल का टेस्ट है वो कड़वा हो जाएगा। इसे हम ध्यान से मिक्स करेंगे क्योंकि चावल पूरी तरह से पक चुका है और इसे अगर हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे तो चावल टूट जाएगा। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे ये जो लेमन राइस है तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना बढ़िया है और इसके अंदर मैंने जो मसाले डाले हैं उसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।